तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ओला इलेक्ट्रिक कैसे फ्री में चार्ज होता है। जैसे कि आप अगर इस चैनल पे नए हो तो आपको पता है कि मेरे घर में सोलर लगा है ऑन ग्रिड, तो इसके भी मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा कितना एक महीने में मेरी बिजली बनाता है और किस तरह मेरा ओला इलेक्ट्रिक फ्री में चार्ज होता है। सो हेलो गाइज, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि मेरे घर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो इसकी मैं आपको आज तकरीबन एक साल एक महीने के यानी कि 14 मंथ की प्रोडक्शन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 3 किलोवाट है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, अडानी के पैनल हैं और 150,000 इसकी टोटल मेरे को कॉस्ट पड़ी है। लोकेशन मोहाली पंजाब है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर, अडानी के 9 पैनल हैं, स्पेस चाहिए आपका 9x18 यानी कि 6x3 का, 2:22 हो गया। 24th of April की वीडियो है और आप देख सकते हो आज की यूनिट इसने 2:30 तक 13+ यूनिट बना दिए हैं, 3.4 यानी कि 13 यूनिट बना दी हैं। तो ये है टोटल इसकी प्रोडक्शन आज की। और अभी मैं आपको ये थोड़ा टेक्निकल इसकी है, तो ये अभी पावर दे रहा है 2.13 यानी कि 2000 वॉट के करीब ये पावर दे रहा है। ये आज की प्रोडक्शन है, ये ओवरऑल इसकी टोटल प्रोडक्शन है 4782। तो लास्ट मंथ की प्रोडक्शन आपको दिख रही है स्क्रीन पे 4313, तो अगर हम लेस करेंगे 4782 से तो आपका मान के चलिए 450+ यूनिट इस महीने की बनती हैं। तो ये जो दिन होते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन डे जो होते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक्चुअल, लेकिन होता क्या है मोस्टली जो प्रोडक्शन लॉस होती है या बिजली की वजह से या पक्षियों की बीट की वजह से। देख लीजिए पक्षियों की बीट, मैं हफ्ते में एक बार क्लीन करता हूँ लेकिन फिर भी बीट कर जाते हैं, लेकिन ये नेचर है, ये नेचर के साथ ही चलेगा। तो ये थी प्रोडक्शन जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है, आपकी 13.50 और 4782 14 महीने की प्रोडक्शन। तो ये है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के, देख लीजिए कितने बेनिफिट हैं। अगर मैं 14 महीने की मान के चलूँ तो इसने 4700+ यूनिट बना दी हैं। अगर मैं 8 रुपये के हिसाब से भी मान के चलूँ तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कितनी टोटल इसने सेविंग कर दी। अगर 10 रुपये के हिसाब से मान के चलूँ तो 47। तो ये होता है बाय डायरेक्शन मीटर, जिसमें पता लगता है कि हमारी कितनी इम्पोर्ट है कितनी एक्सपोर्ट है। 24/4/2022 की डेट है, ठीक है जी। टाइम आपके 2:28 जो कि मैंने आपको फ़ोन की स्क्रीन पर भी दिखाया था लाइव। ये सीरियल नंबर है, ये है इम्पोर्ट 2686, ये है एक्सपोर्ट 3024 और ये मेरा नेट जो है बैलेंस बच गया 337 जो कि गवर्नमेंट के पास है। लास्ट ईयर मेरा जो खाता है वो क्लोज हुआ था 116, अब है 337। तो पंजाब का जो सर्कल होता है वो आपका अक्टूबर से लेकर सितंबर तक होता है, तो उसके बाद मेरी 116 पुरानी वेस्ट चली गई थी, लेकिन इस बार मैं वेस्ट होने नहीं दूंगा। मैंने ईवी एक ले लिया है, 2-व्हीलर, तो मेरा ACVC सब कुछ इसी से चलता है ऑन ग्रिड की। जिसको नॉलेज नहीं है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा ये है ओला, मेरा सोलर टोटल दिन की इस टाइम 17 या 18 यूनिट बनाता है, जिसमें से मेरे ओला इलेक्ट्रिक को फुल चार्ज करने में सिर्फ मात्र 4 यूनिट लगती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरा स्कूटर जो है फ्री में ही चार्ज होता है। तो सोलर लगवाइए, उसके बाद ईवी लीजिए, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके घर के खर्चे बिल्कुल ज़ीरो होंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये थी छोटी सी वीडियो कि कैसे मेरा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्री में चार्ज होता है। सोलर के बेनिफिट बहुत हैं, 4 यूनिट मात्र लेता है, 6 घंटे में फुल चार्ज होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको नहीं है जानकारी कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड क्या होता है, तो ऑन ग्रिड के बहुत बेनिफिट है, पूरी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि सोलर लगवाएं और अपना ईवी व्हीकल, जैसे मेरा ओला इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल फ्री में मेरा चार्ज होता है। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी, तो बने रहना इसी तरह मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून गाइस।